कैसे हैं आप सब? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अपडेट्स जो भी होती रही हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं, और ये अपडेट है वैकेंट सीट के बारे में जो बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय है लखनऊ में, उसके बारे में, अलग अलग कोर्सेज के बारे में वैकेंट सीट और प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दिया गया है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यही आ जाती है कि ये लिस्ट जो है इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, या तो खुल नहीं रहा है या दिक्कत आ रही है। इसको समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके की एक्टिविटी आप करेंगे। जैसे मैंने अभी लिंक पे क्लिक किया, वैकेंट सीट एंड जो आपके सामने दिख रहा था, ठीक है। अब देखो इसमें ऑनलाइन मोड ऑफ फी पेमेंट, क्विक लिंक्स में यहाँ पे सब कुछ दे रहा है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन नहीं लेना एक एक करके। अगर हम इसमें वैकेंट सीट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, मेरिट लिस्ट पर प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट एंड मेरिट लिस्ट पर पीजी प्रोग्राम, अब ये तीन ऑप्शन दिया जा रहा है, पहले सिर्फ एक था, अब प्रोविजनली सेलेक्ट जो हो गए हैं बच्चे उनके लिए, ठीक है। तो प्रोविजनली सेलेक्ट उनके लिए होगा जो जाएंगे वहाँ फिजिकली वेरिफिकेशन, अपना कागजात दिखाएंगे और उनका जो एडमिशन हो जाएगा वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है, ये आप देख लो किस तारीख को आया है, मतलब ये कितना लेटेस्ट है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये आप समझ जाओगे तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। दूसरा जो आपका लिस्ट है वो है आपके, अगर हम बात करें वैकेंट सीट पे फिर से जाते हैं और जाने के बाद वैकेंट सीट डिटेल्स अब क्लिक करते हैं, ये वो लिस्ट से अलग होगा। मतलब प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट है उसके अलावे जितनी सीटें आपकी बची होंगी वो यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं एमएससी, एमएससी का भी दिखा रहा हूँ मैं, सबका दिखाऊंगा टेंशन ना लो। एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में यहाँ पे दिखा रहा है अनरिजर्व में 13 सीट्स हैं, SC 11, ST 6, EWS 3 एंड टोटल आपके पास 33 सीट अभी भी बचा हुआ है, याद रखिए। देखिए एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अलग है, ये फूड एंड न्यूट्रिशन है, तो इसमें 10 वैकेंट सीट हैं अनरिजर्व के, टोटल 22 सीट हैं, आप अलग अलग कैटेगरी के देख सकते हो। ऐसे ही सभी जो डीन हैं वो जारी किए हैं इस सीट को, समझ में आ रहा है आपको, ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अब आ जाते हैं बीए वाले बच्चों के लिए कि उनका क्या इसमें गड़बड़ी आ रही है। देखो बीए वाले बच्चों का तो पहले प्रोविजनली लिस्ट जो है उसको सेलेक्ट कर लो, प्रोविजनली लिस्ट अगर आपने देख लिया आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है उसमें कंफर्म आपको दिख जाएगा। जैसे हमने बीएससी लाइफ साइंस का ओके किया है और ये ओपन हो रहा है, पेज ओपन हो जाएगा, आप देख रहे हो प्रोफेसर कौन है, चेयरमैन, एडमिशन कमेटी, ये सब कुछ आपको यहाँ दिख रहा है। अगर हम इसमें देखें रिजोल्यूशन, द कमिटी परसुएडेड लिस्ट प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी, इसमें जो लिस्ट है उसमें इस कैटेगरी के टोटल इतने लोग हैं, देख लो हैं या नहीं है, ठीक है। सभी कैटेगरी का नंबर वाइज है, राइट, तो आपको ये कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कि किस कैटेगरी में कितने लोग हैं, स्कोर के साथ टोटल मार्क्स उनके कितने आए हैं। अब ये बात ये है कि किसको क्या दिक्कत आ रही है, जैसे ऑथेंटिकेटेड कास्ट सर्टिफिकेट इनका नॉट अपडेटेड बाई द कैंडिडेट एज इट वॉज नॉट वेरीफाइबल ऑनलाइन देयर फोर डिस्क्वालिफाइड, इतने बच्चों को डिस्क्वालिफाई किया गया, कितना ट्रांसपेरेंट है इसको सोचिए, क्योंकि उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड जो किया था वो ऑथेंटिकेट नहीं था, सही तरीके से नहीं किया था या सही कास्ट सर्टिफिकेट नहीं किया था। तो पहली चीज तो ये देख लो जो रिजेक्ट लोग हैं उनमें आपका नाम है क्या, क्यों रिजेक्ट हुआ ये भी देख लो, रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आपको देखना बड़ी ज्यादा जरूरी है, समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं फिर से पीजी यूजी पे जाते हैं किसी दूसरे कोर्स के बारे में, पहले एक बार और देखेंगे यही चीजें जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, जैसे बीकॉम हुआ, बीबीए एलएलबी का समझते हैं, बीबीए एलएलबी का समझना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अब इसको देखो ऐसा दिख रहा है ये कि आपको तो पहला वाला पेज मुझे दिख ही नहीं रहा है, हाँ दिख रहा है थोड़ा सा ब्लर ज्यादा है, नो मैटर, आपको ये दिख जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फेज वन, सॉरी ये सबका फेज वन है, सो सॉरी फॉर दैट, ये सबका फेज वन है, एससी कैटेगरी फेज वन एंड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ SLS BBAU लखनऊ, चालान जनरेटेड कैंडिडेट, जिनका चालान जनरेट हुआ है उनका ये लिस्ट यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में इतने हैं। फिर जो SC ST और EWS का यहाँ पे है, ST कैटेगरी का यहाँ पे है, समझ में आ रहा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लेकिन इससे मैटर नहीं है, मैटर ये है कि चालान इन द सेंस इसका पेमेंट जनरेट करवा लिया गया है,
ठीक है, आपको ये अपने सब्जेक्ट के लिए बार बार जाना पड़ेगा। अब आते हैं वैकेंट सीट पे, कि वैकेंट सीट का ये मुद्दा आ क्यों रहा है, फंस क्यों रहा है, इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं। बीबीए एलएलबी पे ही आते हैं। देखो बीबीए एलएलबी पे लिख रहा है सॉरी पेज नॉट फाउंड, एक का हो गया। दूसरे किसी कोर्स का देख लेते हैं, सिर्फ इसका नहीं, बीकॉम सैटेलाइट सेंटर अमेठी, इसका भी वही सेम चीज, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी प्रोग्राम, इसका भी सेम वही चीज है। नहीं, इसका आपको दिख गया यहाँ पे, देखो मैं दिखाता हूँ। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी की अगर बात करें तो टोटल सीट 29 जो वैकेंट है, ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद। देखो नॉर्मल प्रोसेस यही है, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया था कि क्या है वैकेंसी की प्रोसेस। जो पहले राउंड में बच जाएंगे उनको दूसरे राउंड में दिखाएंगे, दूसरे राउंड में बच जाएगा उनको तीसरे राउंड में दिखाएगा। बात समझ में आया? यही आपको समझ में आना है। अब फिर दूसरे राउंड का बचेगा तो थर्ड राउंड तक आएगा, अगर यहाँ आता है, जैसे डीयू में तो थर्ड राउंड तक आता है भाई। तो टोटल सीट्स जो है वो 29, फील्ड सीट्स 0, ये वैकेंट सीट 29 के 29 रह गए हैं। अब सोचो यहाँ कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भी देख लो, एससी एसटी टोटल कैटेगरी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आया? ये चीज आपको करना पड़ेगा वैकेंसी एक एक कैंडिडेट का देख करके। पीजी वालों का तो सबका आ चुका है, यूजी वालों का नहीं आया, सभी सब्जेक्ट का मैं दिखा रहा हूँ। कोई ये ना कहे कि सर मेरा आपने नहीं दिखाया, बहुत सारे सब्जेक्ट का आया हुआ है। जैसे बीएससी जियोलॉजी का हम देखें अगर, तो ये भी सॉरी नॉट फाउंड। सॉरी नॉट फाउंड का मतलब है पेज नॉट फाउंड का, कि आपका वो जो प्रॉब्लम है ना वो अभी भी कंटिन्यू है, मतलब उस पर काम चल रहा है, उसने प्रिपेयर नहीं किया लिस्ट, वैकेंट सीट की नंबर रेडी नहीं हुई है, सबके सिग्नेचर नहीं हुए। जब ये सारा सिग्नेचर और ये सारी चीजें हो जाएंगी तब वो वेबसाइट पे अपलोड करेंगे जनता के लिए। समझ में आया? कोई गड़बड़ी नहीं है ना आपके मोबाइल में, ना मेरे लैपटॉप में, ना किसी के कंप्यूटर में, ना किसी के मोबाइल में। ये दरअसल लिस्ट उन्होंने रेडी ही नहीं किया है। समझ में आया? तो दो चीजें आपको यहाँ देखनी बड़ी ज्यादा जरूरी हैं, कि प्रोविजनली जो सेलेक्ट कैंडिडेट हैं अलग अलग कोर्सेज के, उसमें रिजेक्टेड लिस्ट का नाम दिया गया है। भाई मेरे, ये कोई नहीं देख रहा होगा, और सब लोग मतलब परेशान करते हैं एक दूसरे को कि यार मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया। तो आपका कैसे आएगा जब आपका रिजेक्टेड लिस्ट में होगा? मुझे कुछ बच्चों ने एससी एसटी होकर के ओबीसी का उन्होंने चूज कर लिया था, ओबीसी होकर के एससी एसटी चूज कर लिया। अब वो चूज करने के क्रम में क्या होता है कि उनकी गड़बड़ी हो गई, अब वो कास्ट सर्टिफिकेट ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे। कुछ तो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ये कितना बड़ा जालसाजी है। आप इस चीज को समझो, अगर आप गलत कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो तो इससे दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये भी एक ध्यान रखो चीज, क्यों यार फंसने वाला, पढ़े लिखे आदमी हो, पढ़े लिखे संसार में जा रहे हो, तो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जाली बनवा करके ओबीसी होकर के, तो वो भी फंसोगे। ये चीजें आपको नहीं करनी है। अब देखो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज डिप्लोमा फार्मेसी शॉर्टलिस्टेड एडमिशन के लिए है, ठीक है। ये आप देखोगे एस टी एस सी पी एच सभी कैंडिडेट का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। क्या इसमें रिजेक्टेड कैंडिडेट का है? देख लेते हैं, रिजेक्टेड कैंडिडेट का होगा तो वेल एंड गुड, देख लेते हैं। सबको आगे बढ़ते जाओगे तभी दिखेगा, ठीक है। इसमें रिजेक्टेड का लिस्ट नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज में है, तो आपको देखना है रिजेक्ट होने का जो रेट है वो क्या है। समझ में आया ना एकदम? तो ये चीजें थी आपके काफी काम की, आई होप आपने ये समझ लिया होगा। और कोई भी क्वेरी होगा तो हमसे जरूर पूछिएगा। ये दोनों साइड जो वीडियोज आ रही हैं आपके लिए, शॉर्ट हो लॉन्ग हो, सब आपके काम का रहता है। तो आपको एक एक करके देखना है, समझना है, समझाना है एक दूसरे को, और बताना है दोस्तों को, शेयर करना है। ये नहीं कि सर मैं क्यों शेयर करूं, मैं वीआईपी आदमी हूं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।